वेलकम टू टॉप गार्डनिंग। आप देख रहे हैं सदाबहार का प्लांट, और सदाबहार की अच्छी ग्रोथ के लिए हम सदाबहार को ऊपर की तरफ से जो ब्रांचेज होती हैं तोड़ते रहें। जैसे कि आप देख रहे हैं, इस एक पॉट में काफ़ी सारे प्लांट उगे हुए हैं सदाबहार के, और ऊपर की ब्रांच जो तोड़नी होती है वो इस तरीके से तोड़नी होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये प्लांट है एक, और इस प्लांट में से आपको एक ब्रांच नज़र आ रही है। ऊपर जाने के बाद जब ये ब्रांच हैं, ऐसे दो हो गई हैं। ये रीज़न क्या है कि ऊपर की तरफ से हम ये जहाँ से ग्रोथ होती है इनकी, वहाँ से तोड़ देते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि तोड़ कर दिखाया है, तो ऊपर से तोड़ने के बाद जो जहाँ से हमने तोड़ी है वहाँ से ये दो ब्रांच निकलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो इस तरीके से सदाबहार का प्लांट घना हो जाता है। सदाबहार का प्लांट जितना ज़्यादा घना होगा उतने ही ज़्यादा सदाबहार के प्लांट में फ्लावर्स लगेंगे। और सदाबहार का प्लांट एक हार्डी प्लांट होता है, जो कि जब इसमें सीड्स आने स्टार्ट होते हैं ब्रांच के अंदर, तो जो भी सीड्स सूखने के बाद पॉट में गिर जाते हैं उससे काफ़ी आसानी से ये सदाबहार के प्लांट उग जाते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि ये सब प्लांट सीड से खुद ब खुद लगे हुए हैं, क्योंकि ये पॉट एक सदाबहार के प्लांट के पास रखा हुआ था, और जितने भी इसके अंदर सीड्स गिरे हैं ये उससे खुद ब खुद नए प्लांट बन चुके हैं। और सदाबहार का प्लांट एक फुल सनलाइट प्लांट है, कि जो फुल सनलाइट में रखा जाता है। अगर हम इसे थोड़ा भी शेडी एरिया में रखेंगे या फिर हम ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर एक से दो घंटे की धूप आएगी, तो ये प्लांट ज़्यादा अच्छी ग्रोथ नहीं करेगा और इसके फ्लावर का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। सदाबहार प्लांट के अंदर काफ़ी कलर के फ्लावर्स आते हैं, जैसे कि वाइट आता है, येलो आता है, पर्पल आता है, काफ़ी कलर के फ्लावर्स आते हैं। सदाबहार के प्लांट को हम अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि एक ये काफ़ी खूबसूरत प्लांट होता है और हमारे गार्डन को काफ़ी खूबसूरत बना देगा ये एक प्लांट, क्योंकि इसके फ्लावर्स जो होते हैं ये काफ़ी अच्छे होते हैं। और ये समर सीज़न में फ्लावर्स निकलते हैं, और जब विंटर सीज़न आता है तो ये फ्लावर्स काफ़ी छोटा साइज़ हो जाता है और इसके लीफ भी काफ़ी छोटे हो जाते हैं। आप देख रहे हैं अभी कम से कम इसके लीफ 3 इंच के हैं, काफ़ी छोटे लीफ हो जाते हैं समर सीज़न में। और लेकिन ये प्लांट मरता नहीं है, जब समर दोबारा स्टार्ट होती है, गर्मियां दोबारा स्टार्ट हो जाती हैं, तो ये अपनी ग्रोथ को काफ़ी बढ़ा देता है। अगर हम इसकी सोइल की बात करें कि हम कैसे सोइल में सदाबहार प्लांट लगाएं, तो 50% उसमें हम कंपोस्ट खाद मिला सकते हैं, और 50% हमारी गार्डन सोइल हो तो उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ होती है सदाबहार प्लांट की। और हम इसमें सदाबहार प्लांट में काफ़ी कम पानी डालें, क्योंकि अगर हम ज़्यादा पानी डालेंगे इसमें तो इसकी रूट गलनी स्टार्ट हो जाएगी। सदाबहार प्लांट को काफ़ी कम पानी की ज़रूरत होती है, और आप देख रहे हैं ये हमारा ज़्यादा 8 इंच का पॉट है और उसमें काफ़ी सारे सदाबहार लगे हुए हैं और काफ़ी हेल्दी हैं, क्योंकि ये काफ़ी हेल्दी इस चीज़ से पता चल सकते हैं कि इनकी लीफ कितनी बड़ी बड़ी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।